एक चीज तो हमने ये समझ ली कि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम होने से बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके लिए इसका क्या क्या सॉल्यूशन ढूंढा गया कि एक सिंगल नेम होगा हर एनिमल का जो साइंटिफिक लैंग्वेज में जो सिंगल होगा पूरे वर्ल्ड ओवर। तो चाहे हम कहीं पे भी हो, हम उस एनिमल या ऑर्गेनिज्म का लाइन बताएंगे तो वो हर बार वही होगा। तो अब देखते हैं इसके बारे में और, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नोमेनक्लेचर। तो नेमिंग के सिस्टम को क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। वी यूज टुडे वाज इंट्रोड्यूस बाय कैरोलस लिनस। तो ये किसने इंट्रोड्यूस करा था, कैरोलस लिनस ने। तो इस दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है हमने, पहला वाला क्लासिफिकेशन था, दूसरा वाला नाम कैसे दिए जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना हमने। वो अलग था क्लासिफिकेशन, और ये जो है ये नोमेनक्लेचर की नाम कैसे दिए, पहले क्लासिफिकेशन फिर नाम कैसे दिए जाए। इन द 18th सेंचुरी, कब दिया, 18th सेंचुरी में, द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो भी किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है, द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विच पुट्स इट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिज्म इट इज मोस्ट रिलेटेड टू। तो ये कहां से आता है, ये क्लासिफिकेशन के थ्रू आता है, और क्लासिफिकेशन में हम इसकी सिमिलैरिटी देखते चले आते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलैरिटी देखते चले आते हैं, फिर हम इसको क्लासीफाई कर दें, और जहां पे भी ये मोस्ट रिलेटेड होता है हम इसको वहां रख देते हैं। बट वेन वी एक्चुअली नेम द स्पीशीज, तो जब लास्ट में आ जाते हैं हम, बिल्कुल लास्ट में स्पीशीज वाले लेवल पे आ जाते हैं, तो हमें नाम देना है, फाइनल नाम देना है क्लासिफिकेशन के बाद। तो बट वेन वी एक्चुअली नेम द स्पीशीज वी डू नॉट लिस्ट आउट होल हायरार्की ऑफ ग्रुप्स। तो जब हम ये नाम लेते हैं स्पीशीज का, तो हम हायरार्की नहीं यूज करते सारे। इंस्टेड वी लिमिट आवर सेल्फ टू राइटिंग द नेम ऑफ जीनस एंड स्पीशीज। तो लास्ट में हम किस चीज का नाम रखते हैं, हम सिर्फ दो चीजें बताते हैं, एक जीनस एक स्पीशीज। तो पूरी हायरार्की हमने देखा, उस हायरार्की में हम पूरी हायरार्की यूज नहीं करते, हम केवल जीनस और स्पीशीज से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बता देते हैं। वर्ल्ड ओवर इट हैज बीन एग्रीड दैट बोथ दीज नेम्स विल बी यूज्ड इन लैटिन फॉर्म्स। तो पूरे वर्ल्ड में ये एग्री हो चुका है कि ये नेम्स किस में होंगे, जीनस और स्पीशीज हमेशा लैटिन में, हमेशा लैटिन में होंगे। सर्टेन कन्वेंशंस आर फॉलोड वाइल राइटिंग द नेम्स ऑफ द और राइटिंग द साइंटिफिक नेम्स। तो कुछ कन्वेंशन है कि कैसे ये साइंटिफिक नेम्स लिखे जाते हैं। पहली चीज तो हम सबके सब जो है कैसे स्पेसिफाई करेंगे, सिर्फ जीनस और स्पीशीज बता के, अगर हम पूरा क्लासिफिकेशन नहीं बताते, क्लासिफाई कर लिया उसको स्टेप बाय स्टेप, लास्ट में हम किस, अगर उसका साइंटिफिक नेम लेना है तो क्या बताएंगे, केवल उसकी जीनस और स्पीशीज, और उसमें उसे भी किस में यूज करेंगे, केवल लैटिन में, लैटिन लैंग्वेज में। कन्वेंशन क्या है, द नेम ऑफ द जीनस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। तो जीनस का जो है पहला अक्षर किससे होगा, कैपिटल अक्षर होगा, ठीक है। द नेम ऑफ द स्पीशीज बिगिन विद अ स्मॉल लेटर। तो जो स्पीशीज जब लिखेंगे तो वो हमेशा किससे होगा, स्मॉल लेटर से। When printed, the scientific name given in italic. तो ये italic होगा, तो italic क्या प्रिंटिंग होती है, जैसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं, टेढ़े वाले जो लिखे हुए अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, italic. When written by hand, जब हाथ से लिखा जाएगा तो जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली। तो जब हाथ से लिखेंगे तो कैसे करेंगे, तो जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम, उनको दोनों को अलग अलग हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो ये साइंटिफिक इसकी कन्वेंशन है। तो यहां अगर हम जैसे यहां ऊपर देखते हैं, वापस जाते हैं, तो अगर आप यहां देखो तो जैसे ये वाइट स्टॉर्क, ठीक है, इसका जो ये साइंटिफिक नेम देखा है, तो देखिए ये थोड़ा टेढ़े अक्षरों में लिखा है, तो पहला अक्षर सी बड़ा है, इधर वाला अक्षर सी छोटा है। तो इसकी इसकी जीनस क्या हुई, सिकोनिया, स्पीशीज भी क्या हुई, सिकोनिया। तो इसका नाम क्या हो गया, सिकोनिया सिकोनिया। तो इस तरीके से हम सबका भी नाम देते हैं। तो यहां पे ऑस्ट्रिच का देखिए, स्ट्रूटियो कैबलस। तो ये जो है इस तरीके से, ये इसकी क्या है, जीनस, ये क्या है, स्पीशीज। और अगर हम वैसे लिख रहे हैं हाथ से, तो इसके नीचे ऐसे लिख के दोनों को अंडरलाइन अलग अलग करेंगे। तो ये तरीका है इसे लिखने का, ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है। तो हमने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से साइंटिफिक नेम्स इनके रखे जाते हैं, लैटिन में रखे जाते हैं, और लिखने का तरीका भी क्या होता है। इसमें कंफ्यूज हमें नहीं होना कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन
हैकल, विटेकर और वूज ने दिया था, और कैरोलस लीनस ने क्या है नाम रखने का तरीका बताया था कि कैसे नाम रखे जाते हैं और नाम कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं, सिर्फ लास्ट की दो चीज बता के किस जीनस का है किस स्पीशीज का है, और ये हमेशा लैटिन में ही होंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 7.4 पर देखते हैं, फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनी 5 कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हमें 5 कॉमन एनिमल्स के नेम और 5 कॉमन प्लांट्स के नेम साइंटिफिक नेम्स ढूंढने। तो 5 कॉमन प्लांट्स कोई से भी आप ले सकते हो। ठीक है, डू दीज नेम्स हैव एनीथिंग इन कॉमन विद द नेम्स यू नॉर्मली यूज टू आइडेंटिफाई देम। क्या इनमें कुछ भी कॉमन है जो कॉमन नेम्स है, तो आप ट्राई करो आपको समझ में आएगा कि कैसे। तो एनिमल्स क्या हो सकते हैं, डॉग, काउ और ऐसी करके, रैट हो सकता है, कैट हो सकता है, तो ये नॉर्मल एनिमल्स हैं, पिजन हो गया, क्राउ हो गया। इसी तरीके से आप नॉर्मल ट्रीज के बारे में आप देख सकते हो कि नॉर्मल ट्रीज के नाम क्या है, मैंगो हो गया, नीम हो गया, तो बहुत सारी आप ऐसी चीजें देख सकते हो। साइंटिफिक नेम इनके ट्राई करो कि क्या है। साइंटिफिक नेम में केवल दो ही पार्ट होंगे, जीनस और स्पीशीज। तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस इन एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है, इससे हमें डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाते हैं कि कैसे ये सब चीजें आई। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 मेजर किंगडम्स आर। तो क्लासिफाई यानी इनके जो ग्रुप बनाए थे, जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो मेन लक्षण थे इनके ऑर्गेनिज्म के, वो क्या क्या है 5 बड़े किंगडम्स के, किस बेसिस पे, वेदर दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, किस सेल्स से बने हुए हैं, वेदर द सेल्स आर लिविंग सिंगली और ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टी सेल्यूलर एंड दस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसके बाद सिंगल सेल है या मल्टी सेल्यूलर है, वेदर द सेल्स हैव अ सेल वॉल एंड वेदर दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या उनके पास सेल वॉल है, और अगर सेल वॉल है तो क्या वो अपना फूड खुद बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? इस बेसिस पे हमने सारा क्लासिफिकेशन 5 किंगडम्स में कर दिया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड ऑन द एबव बेसिस। तो इन बेसिस पे हमने किसे कराया, किस में डिवाइड किया, 5 किंगडम्स में। उन 5 किंगडम्स के नाम क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम्स हो गए। द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन किससे रिलेटेड है, उनके इवोल्यूशन से, यानी वो कैसे स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करते हुए इस स्टेज पर पहुंचे हैं। प्लांटे एंड एनिमलिया आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स, क्योंकि ये बहुत बड़े किंगडम है, प्लांट वाला किंगडम और एनिमल वाला किंगडम। तो हमने ने क्या करा है, इनको फर्दर सब डिविजन में डिवाइड किया है, तो ये केवल वहीं नहीं खत्म होते। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे करा है, उनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती चली गई है, उस बेसिस पे हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। तो प्लांट्स को किस किस ग्रुप में डिवाइड किया था, एक तो थैलोफाइट्स थे, ब्रायोफाइट्स थे, टेरिडोफाइट्स थे, जिम्नोस्पर्म्स थे और एंजियोस्पर्म्स थे। तो ये प्लांट्स को डिवाइड किया है। एनिमल किंगडम जो है, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स। तो इनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 10 ग्रुप्स में। पॉरीफेरा, कॉयलेंटेराटा, प्लेटीहेलमिंथस, नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इसमें जो वर्टिब्रेटा थी उसको फर्दर हमने डिवाइड किया था, तो वर्टिब्रेटा को 6 पार्ट में हमने फर्दर डिवाइड कर दिया था। द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो पार्ट थे, तो दो पार्ट क्या थे, जीनस था और फिर क्या लिखते थे हम स्मॉल में, क्या लिखते थे, स्पीशीज। ठीक है, जीनस और स्पीशीज, और इन्हें हम क्या करते हैं, हाथ से अंडरलाइन करते हैं अलग अलग। द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेक्स फॉर अ यूनिफॉर्म वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ये यूनिफॉर्म वे है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इससे आसानी से जाना जा सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस। इससे हम एक बहुत वास्ट वेराइटी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर अगर हम इसे अलग अलग नामों को करेंगे, तो अगर सपोज हम मान लेते हैं कि हम इंग्लिश नहीं जानते, तो कोई टाइगर बोल रहा है, हम चीता बोल रहे हैं, तो क्या वो एनिमल एक है या दो है? ऐसी अलग अलग लैंग्वेज में तो क्या वो सारे एनिमल एक है या
या अलग अलग एनिमल है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स काउंट किया जा सकता है, तो हमें एक फॉल्स इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इतने एनिमल है। लेकिन जब हम इस कन्वेंशन से जाते तो हर हर एनिमल का, हर प्लांट का, हर स्पीशीज का केवल एक ही नाम होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और हमें एक्चुअल नंबर मिल पाएगा कि इतने उसमें, इतनी लाइफ के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर अवेलेबल है। द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, तो किस किस दो वर्ड का मिलके बना होता है, अ जेनरिक नेम और अ स्पेसिफिक नेम। तो कौन कौन से नेम होते हैं, जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक। तो जेनरिक नेम को ही हम क्या बोलते हैं, जीनस, और स्पेसिफिक नेम को ही क्या बोलते हैं हम, स्पीशीज। तो दो वर्ड से बना है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, जीनस एंड स्पीशीज। तो इसके साथ ये चैप्टर अब हमारा खत्म होता है, चैप्टर 7। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। तो आप सब लोग इसकी एक्सरसाइज, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसकी एक्सरसाइज अपने कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे।